ब्रेक के बाद रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी हरदोई में गुस्साए किसानों द्वारा किए गए प्रदर्शन की और बकानी में भील समाज एकता कायम रखने को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा की और साथ ही उत्तराखंड में पुलिस द्वारा किए गए 15 लाख रुपए की चोरी के खुलासे की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आजमगढ़ से है। यहाँ छठे चरण का चुनाव लगभग खत्म हो चुका है। वहीं पक्ष के लोग विपक्ष के लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राजबली राम ने कहा अब की बार जो मतदान हुआ है ये लोकतंत्र बचाने के लिए है, बाबा साहेब के संविधान को बचाने के लिए जनता ने सरकार के तानाशाही के खिलाफ मतदान किया है। उन्होंने आगे बताया कि कांग्रेस पार्टी की नीति स्पष्ट है, हमारी सरकार आते ही हमारे घोषणा पत्र के अनुरूप कार्य किए जाएंगे। 5 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जहाँ तक लोगों की वोट देने का सवाल है, आज मैंने देखा कि A to Z OBC से लेकर शेड्यूल कास्ट तक के लोगों ने बढ़ चढ़ करके महागठबंधन को वोट दिया और यहाँ के दोनों प्रत्याशियों के लिए बढ़ चढ़ करके लोगों ने वोट दिया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों प्रत्याशी आजमगढ़ सदर और लालगंज सुरक्षित से जीतकर दिल्ली पहुँचेंगे। यहाँ पे देखा जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट के लोग भी वोट किए हैं जो है समाजवादी पार्टी को, आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं महागठबंधन को सफल बनाने के लिए मैं माननीय राहुल गांधी जी को की प्रशंसा करते हुए ये कहना चाहूँगा कि माननीय राहुल गांधी जी ने महागठबंधन को सफल बनाने के लिए जो त्याग और तपस्या उनकी जो थी वो सफल रही और सारे के सारे दलित क्लास के लोगों ने कांग्रेस के नाम पर संविधान को बचाने के लिए लोकतंत्र को बचाने के लिए बढ़ चढ़ करके वोट दिया है। यहाँ तक सुना गया है कि 80 से 90% तक दलित लोगों ने कांग्रेस पार्टी अथवा महागठबंधन को वोट दिया। तो जहाँ तक मेरे मतलब प्रयत्न का सवाल है या मेरे परिश्रम का सवाल है तो मैं तो 12-13 साल से कांग्रेस पार्टी में ही काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा, आजीवन कांग्रेस में ही रहूँगा। और जहाँ तक मैं घूम घूम करके कांग्रेस पार्टी का प्रचार किया और महागठबंधन को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील किया, खासकर विशेषकर दलित परिवारों में जा करके दलित व्यक्तियों में जा करके मैंने महागठबंधन के पक्ष में यहाँ के दोनों उम्मीदवार जो समाजवादी पार्टी के थे माननीय दरोगा प्रसाद सरोज लालगंज से और माननीय धर्मेंद्र यादव के पक्ष में वोट देने के लिए दलित क्लास में जाकर उनसे अपील किया और लोगों ने मेरी बात को समझा बुझा और संविधान का लोकतंत्र बचाने के लिए दोनों कैंडिडेट के पक्ष में वोट भरपूर वोट दिया। नेताजी सरकार किसकी बनने जा रही है इंडिया का? तो ये नहीं, अभी देखा गया है कि मैंने देखा कि खटाखट वोट दलित लोगों का OBC का इंडिया गठबंधन के नाम पर पड़ रहा है और इस परिवेश में मैं ये देख रहा था, मैं ये समझ रहा हूँ जहाँ तक आने वाला समय कांग्रेस पार्टी के हित में रहेगा और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता अभिषाद की रिपोर्ट। हरदोई माधवगंज में रविवार के दिन सरकारी केंद्रों पर गेहूं फसल बिक्री करने का दबाव को लेकर किसान विफर हुए। गुस्साए दर्जनों किसानों ने कृषि उत्पादन मंडी गेट के पास धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि आरतियों के माध्यम से उनकी फसल के दाम 2,380 रुपये मिल रहा है, फिर सरकारी खरीद केंद्रों पर 2,275 रुपये क्विंटल बेचने से उनका नुकसान होगा। ये तो खुली बाजार में फसल बिक्री के लिए आदेश दिया जाए या फिर सरकारी केंद्र पर भाव में बढ़ोतरी की जाए। वहीं किसानों के प्रदर्शन को लेकर व्यापारियों की दुकानों पर गेहूं के ढेर लगे दिखाई दिए। व्यापारियों की मानी जाए तो बाजार भाव जो चल रहा है उसके हिसाब से सरकारी केंद्रों पर किसानों का नुकसान होगा, इसलिए खरीद बिक्री दोनों कार्य बंद चल रहे हैं। धरना प्रदर्शन की खबर पाकर मौके पर पहुंचे मंडी सचिव दिलीप कुमार वर्मा के प्रदर्शन कर रहे किसानों को शांत कराया, कहा कि शासन के निर्देश हैं। आपका नाम क्या है और समस्या क्या है? सूरज सिंह चंदेल, ग्राम ठटिया जाहिदपुर। हम अपना गेहूं बिक्री करने के लिए लाए थे यहाँ पर, जहाँ प्रशासन ने दबाव बना रहा है कि लेवी पर जबरदस्ती गेहूँ बेचने के लिए हमको कहा जा रहा है। ये करने के लिए हम लोग राजी नहीं है। हमारा 2400 में यहाँ गेहूँ बिकने को है और प्रशासन 100 रुपया सस्ते गेहूँ बिक्री कराने के लिए कह रहा है, जिस पर हम लोग तैयार नहीं है। अपना गेहूँ हम वापस लिए जा रहे हैं और प्रशासन मुर्दाबाद के सब किसान नारे लगा रहे हैं। क्या और समस्या क्या है पूरी बात? मेरा नाम ब्रह्म होता है, हम ब्रह्मपुर चंदौली के रहने वाले हैं। हम पता गेहूँ लाए थे बेचने के लिए, यहाँ हमने 2400 रुपये गेहूँ पौने 2400 रुपये बिक रहा था, इसीलिए हम लेकर आए और यहाँ सरकारी लेवी वाले तोलने नहीं दे रहे हैं। हमारा कह रहे हैं कि हम 2275 तोलेंगे, इसलिए हम बेच नहीं रहे, अपना घर वापस ले जाएंगे
और या तो सरकार ले अपना 2400 रुपए हम बेच देंगे। सरकार बोनस बढ़ाए, सरकार बोनस बढ़ाए, हम बेच देंगे यहाँ 275 ले भी ले रही है, 2400 गेहूँ मंडी में चल रहा है, किसान कैसे बेचे? अजय 2400 ले वो लोग तो 2400 बेचा जाए, किसान को दिया जाए, नगद पेमेंट दे। क्या और आपकी समस्या क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार है, हसनापुर दासगंज। हाँ, मैं यहाँ अपना गेहूँ लाए थे बेचने के लिए, जो कि हमको रेट बताए गए थे 2400 के आसपास रेट बताए गए थे, मैं यहाँ लेके यहाँ आया ट्राली से अपनी, और यहाँ सुनने में मिल रहा है कि प्रशासन दबाव में बना रहा है कि लेवी रेट में, तो हम क्यों बेचें? लेवी पे पहली बात तो पैसा नहीं मिल पाता है कायदे से, और अभी जिनका कई लोग हमें मिले हैं तो उनका पैसा भी पड़ा 15-15 दिन हो गया। हम तो ठहरे किसान, हमको आप बीज का देना, हम उधार ले रहे हैं और हमको उनको देना है, तो हमको जो नगद पैसा मिल रहा है तो वो पैसा हम देंगे उनको, तो मिल रहा है और हमें फायदा भी हो रहा है, तो हम सरकार दबाव में हम क्यों आए? हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से है। यहाँ भील समाज एकता कायम रखने को लेकर भील समाज बंधु बकानी द्वारा समीपस्थ गांव के समाज बंधुओं को एकत्रित कर किला भवन भील समाज मंदिर पर रात्र को भव्य भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित किया गया, और सामाजिक एकीकरण को लेकर, सामाजिक एकता कायम रखने, समाज की प्रतिष्ठा बरकरार रखने को लेकर दोपहर उपरांत बैंड बाजे से देव विमान को लेकर कस्बे में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहाँ कस्बे वासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर रैली शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। उपरांत देव विमान महाभारती के टी प्रसादी का वितरण किया गया। समाज के सामूहिक भगवान की शोभा यात्रा कार्यक्रम है, जितने भी गांव लगते हैं वो सभी गांव से बता रहे हैं और इसी जुलूस में शामिल हुए हैं। शोभा यात्रा के बाद ये जुलूस भगवान का मंदिर पहुंचेगा, मंदिर के बाद वहां पर आरती होगी, आरती होने के बाद भगवान का जो प्रसाद है उसका वितरण होगा। राजस्थान से सीनियर संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के आदेशानुसार उधम सिंह नगर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ जारी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की। खटीमा क्षेत्र के सुनियोजित ढंग से बंद घरों के ताले तोड़कर चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया। इस मामले में 2 महिलाओं समेत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लगभग 15 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, चोरी के धन से खरीदी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। खटीमा पुलिस की इस कामयाबी के बाद क्षेत्र के नागरिकों ने राहत की सांस ली है। पुलिस की इस प्रतिक्रिया से क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। 18 तारीख को हमें तहरीर मिली थी कि कैलाश जोशी जो है यहाँ पे टेढ़ाघाट खटीमा निवासी, उनके द्वारा ये तहरीर दी गई थी कि दिनांक 15 तारीख को वो घर से कैंची धाम के लिए गए थे, तो 17 तारीख को जब वापस आए तो उन्होंने पाया कि घर में उनकी चोरी हुई है। घर में घुसकर ताला तोड़कर काफ़ी मात्रा में सोने के गहने, चांदी के गहने इनकी चोरी हुई है। तो इसी क्रम में हमने तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया था और लगातार हमारी टीमें SSP उधम सिंह नगर के नेतृत्व में टीमें लगातार कार्रवाई कर रही थी। कोतवाली खटीमा के साथ साथ SOG की टीमें भी इसमें लगी हुई थी। CO खटीमा के नेतृत्व में SHO खटीमा के निर्देशन में ये काम कर रहे थे। इन टीमों को बहुत अच्छी सफलता मिली है। 25 तारीख को हमने इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं और इनके द्वारा हमने एक और मुकदमे 150/24 का भी माल हमने इनसे बरामद किया है। तो लगभग ये दोनों मुकदमे का हमने बरामदगी जो हुई है 15 लाख से भी ज़्यादा इसकी अनुमानित कीमत है, जिसमें सफ़ेद धातु और पीली धातु के आभूषण इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा हमने एक स्कूटी और एक अपाचे भी इनसे बरामद की है। स्कूटी जो है वो घटना में प्रयुक्त की गई थी और जो अपाचे है वो इन्होंने चोरी के संपत्ति से इसको खरीदा गया था। तो इस पूरी इसमें 2 और एक्यूज हैं जो वॉन्टेड हैं, इसकी इनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयासरत है। ये ऑर्गेनाइज गैंग बहुत ही शातिर तरीके से प्रॉपरली रेकी करके बंद घरों में ये टारगेट कर रहे थे और इनको गिरफ्तार करके हमारा संदेश है कि जो आम नागरिक को परेशान करने के लिए से कोई भी चोरी हो, ये घटनाओं को हम गंभीरता से लेते हैं। जनपद उधम सिंह नगर की टीम पूरी गंभीरता से लेते हुए इसको प्रोफेशनल तरीके से हम खोले हैं
और काफ़ी मात्रा में हमने बरामदगी भी की है और इस संपत्ति को हम लौटा रहे हैं और वादी को। ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि हमारी टीम को प्राप्त हुई है और इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी हम लगातार खंगाल रहे हैं। दो अभियुक्तों का खुशबू और सिम्मी, इनका ऑलरेडी केसेस हमारे आसाम न्याय रजिस्टर्ड है। इनके अलावा अशरफ और अकील के भी ऊपर काफ़ी सारे केसेस यूपी और उत्तराखंड में रजिस्टर्ड हैं, तो इनकी अरेस्टिंग होगी। दो अभियुक्त जो वांछित है उनकी अरेस्टिंग होगी और उनकी इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई होगी। संपत्ति चिन्हीकरण और जब्तीकरण की भी कार्रवाई हम करेंगे ताकि एक सख्त से सख्त मैसेज हमारा है कि कोई भी इस तरीके की घटनाओं का अंजाम देता है तो उसको उनके ऊपर जो है पूरी तरीके से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई के लिए मैं सीओ खटीमा, एसएचओ खटीमा और कोतवाली खटीमा और एसएचओ की टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उत्तराखंड से सीनियर संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।